हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी भी जारी है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी जहां पर यह दावा किया जा रहा था कि अमेरिका द्वारा MQ-1 ग्रे ईगल आर्म ड्रोन्स जो हैं वो यूक्रेन को सप्लाई किए जा सकते हैं। तो इस वॉर के दौरान ऐसा लग रहा था कि ये जो ड्रोन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, पर रियलिटी जो है वो इससे परे है। तो इन ड्रोनों की प्रोक्योरमेंट को लेकर जो यूक्रेनियन पायलट्स हैं उन्होंने इसे यूजलेस बताया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो टर्किश बायरेक्टर TB2 ड्रोन्स हैं वो भी यूक्रेन के लिए काफ़ी यूजलेस साबित हुए रशियन एयर डिफेंस के सामने। और यूक्रेनियन पायलट्स का ये कहना था कि इन ड्रोनों के बजाय अगर उनको मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट दे दिए जाएं तो वो उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। तो यूक्रेनियन फाइटर पायलट्स का ये कहना था कि जो ड्रोन्स हैं वो रिकॉन्डिसेंस मिशन के लिए डिसेंट हैं, डिस्टेंस से अगर टारगेट का पता लगाना हो तो ये ड्रोन कारगर साबित हो सकते हैं, पर अटैक रोल्स के लिए जहां पर टारगेट के क्लोज जाना होता है वहां पर इनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, क्योंकि टारगेट के क्लोज जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी डिसेंट होता है। तो वहां पर आपको एक फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, स्पेशली डोनबास रीजन में जहाँ पर रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अच्छे से डिप्लॉयड है और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से फंक्शन कर रहा है। तो MQ-1 को लेकर यूक्रेनियन पायलट्स ने यहाँ तक कहा कि ये अफगानिस्तान नहीं है। तो यूक्रेनियन फाइटर पायलट्स का कहना ये था कि अगर डोनबास रीजन में MQ-1C यूज़ किया जाता है तो जिस तरह की स्पीड है उस ड्रोन की, जिस तरह के वेपन्स हैं उस ड्रोन के पास, और जिस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स रशिया ने वहाँ पर डिप्लॉय किए हैं, तो इसके 90% चांस है कि ये ड्रोन जो है वो अपनी पहली सॉर्टी में शूट डाउन कर दिया जाए। तो यहाँ पर हेलफायर मिसाइल्स की बात चल रही है जिसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 10 से 11 किलोमीटर की बताई जाती है। तो US द्वारा पूरी तैयारी करी जा रही है MQ-1C ड्रोन्स को प्रोवाइड कराने की यूक्रेन को, पर यूक्रेनियन पायलट्स जो हैं वो इस चीज़ से अग्री नहीं करते कि ये उनके लिए यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो जब से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई है वो चालू हुई है, तब से जो ड्रोन्स हैं वो चर्चा में हैं और इनके यूज़ पर सवाल भी उठे हैं और इनको प्रेज भी किया गया है इनकी परफॉर्मेंस को लेकर, पर रियलिटी जो है वो इससे परे लग रही है। पहले ये क्लेम भी किए जा रहे थे कि जो बायरेक्टर TB2 ड्रोन्स है वो काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुए, पर यहाँ पर यूक्रेनियन पायलट्स के दावों ने TB2 की जो पोल है वो खोल दी है। और ये चीज़ लॉजिकल भी है कि अच्छे एयर डिफेंस के सामने एक सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट जिसको एक पायलट फ्लाई कर रहा है और जिसमें ज़्यादा एडवांस सेंसर्स लगे हुए हैं, जिसकी मनोरेबिलिटी किसी ड्रोन से बहुत ज़्यादा है, जिसकी स्पीड भी ज़्यादा है, पर फिर भी अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम्स के जोन में इस एयरक्राफ्ट के शूट डाउन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी हाई रहती है। तो ये जो स्लो ड्रोन्स हैं इनके शूट डाउन होने की प्रोबेबिलिटी कैसे कम होगी और ये कैसे ढंग से ऑपरेट कर पाएंगे? तो ये जो लाइन बोली गई है कि डोनबास जो है वो अफगानिस्तान नहीं है, ये इन ड्रोन की प्रैक्टिकलिटी को दर्शाता है अच्छे एयर डिफेंसेस के सामने। यहाँ तक कि TB2 के जो यूसेजेस हैं उनको भी यूक्रेनियन फोर्सेस ने कम किया है। तो ये कहना कि ये ड्रोन्स का ज़माना है, अब ड्रोन्स आ गए हैं तो वॉरफेयर कम्प्लीटली चेंज हो गई है, ये कम्प्लीट सही स्टेटमेंट नहीं है। ऑल दो रिकॉन्डिजेंस जैसे मिशंस में ये ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा कैपेबल साबित हुए हैं, पर ग्राउंड अटैक और सपोर्ट के रोल में वो भी अच्छे एयर डिफेंसेस के सामने ये ड्रोन्स जो हैं वो पूरी तरीके से बेबस हैं और ऑलमोस्ट यूजलेस हैं। हाँ, ये बात और है कि अगर आप एयर डिफेंस सिस्टम्स को नाकाम कर दें उसके बाद ये ड्रोन जो है वो कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम करने हैं तो वहाँ पर आपको फाइटर एयरक्राफ्ट लगेगा। तो ये जो डिबेट चालू हुई है कि अब ज़माना जो है वो कम्प्लीटली अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का हो गया है, अभी हम उस पोजीशन से थोड़े दूर हैं और ये फैक्ट जो है वो यूक्रेनियन पायलट्स ने सामने रखा है। तो उनका क्लियरली ये कहना था कि शुरुआत में इनका यूज़ था और ये इफ़ेक्टिव भी साबित हुए थे, लेकिन अब जो रशियन फोर्सेस हैं उन्होंने अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं उनको डिप्लॉय कर दिया है और अब ये ऑलमोस्ट यूजलेस साबित हो रहे हैं, जिसकी वजह से मजबूरी में यूक्रेनियन फोर्सेस को अपने ड्रोन्स के यूसेज को कम करना पड़ रहा है। साथ ही साथ ग्रे ईगल ड्रोन को लेकर यूक्रेनियन पायलट्स का ये कहना था कि जिस तरह के रिस्क हैं उसको देखते हुए जो TB2 ड्रोन है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि वो चीप है, लेकिन अगर हम MQ-1C लूज करेंगे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और ये हम पर भारी पड़ सकता है। और इवन ये स्टडी जो है वो US एयरफोर्स की भी रही है और उनका भी ये मानना है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स के सामने ये जो ड्रोन हैं वो बेबस होते हैं और इसलिए वो अपने MQ-9 रिपर ड्रोन्स के नंबर्स को कम कर रहे हैं और उनसे थोड़ा दूर हटकर दूसरे ऑप्शन को देखना चाहते हैं। तो ये डिबेट का अच्छा मुद्दा हो सकता है जिस पर हम डिटेल में बात करेंगे किसी और डेडिकेटेड वीडियो में।
आई होप यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर मिली हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।